लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान जो कि रालोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर सीधा निशाना मारा और उन्होंने कहा कि मोकामा चहरमल बाबा दर्शन के दौरान जो कुछ भी हादसा हुआ था, जो कुछ भी हमला केंद्रीय मंत्री पर करवाया गया था वो चिराग पासवान के द्वारा ही करवाया था। इसके साथ ही अपने संवाददाता सम्मेलन के दौरान पशुपति कुमार पारस ने ये भी कहा कि इसमें सबसे बड़ी विफलता राज्य सरकार की है और प्रशासनिक चूक भी बहुत बड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने वार्ता के दौरान कुछ ऐसे खुलासे भी किए हैं जो आम तौर पर बैठ के जो चिराग पासवान और उनके बीच में वार्ता हुआ था, किस तरह से पार्टी टूटी और उस बीच क्या कुछ घटना और क्या कुछ वार्ता हुआ था इन लोगों के दौरान, इन तमाम बातों को आज केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान रखा। आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, आपने नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों बयान दिया? मैंने कहा जो सही बात है मैं बयान दूंगा, तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहता हूँ और आप नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए पार्टी विरोधी काम आपने किया है, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करूँगा। मैंने कहा कि भाई तुम हमको क्या निष्कासित करोगे, भाई तो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आपको तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देता। तो नहीं नहीं आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, सो आपके खून में और मेरे खून में फर्क है, ये चिराग पासवान ने कहा। और उस समय जिस समय ये बात बोला इसमें मैं उसकी माँ बैठी हुई थी वहाँ, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे और मेरा बेटा ये सिराज बैठा हुआ था, सबों के बीच में उसने कहा कि हमारे खून में आपके खून में फर्क है। मैंने उससे कहा कि जो ये क्या चिराग ये तुम बोल रहे हो? कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आज के बाद से यदि ये बात सही तुम बोल रहे हो, आज के बाद से ना तुम मेरा भतीजा हो और न मैं तुम्हारा चाचा हूँ, खबरदार आज के बाद से तुम चाचा शब्द का प्रयोग नहीं करना। उस दिन से मतभेद हुआ, पार्टी टूटी, पासवान जी स्वर्ग चले गए यहाँ उनके निधन के बाद। ये 16 अक्टूबर की घटना, फिर 20 अक्टूबर को श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, उसके बाद काफ़ी आपस में मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद पार्टी के पूरे लोग, जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद में 5 सांसद एक तरफ हम लोग एक गुट बनाया गया और दूसरे चिराग पासवान अकेले रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अलग से पार्टी के मान्यता मिली, नेता भी संसदीय दल के नेता का निर्वाचन हुआ। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान बखला करके हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किया, हाजीपुर में हमला हुआ। आज से कुछ दिन पहले प्रिंस राज की माँ साई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, वहाँ जाकर के उसका जो युवा का अध्यक्ष है, छात्र का जो अध्यक्ष है, प्रिंस पासवान है, क्या नाम है नाम, हाँ प्रिंस पासवान है, वो जाकर हंगामा किया, दारू पी का हंगामा किया, जो FIR भी हुआ कंकड़बाग थाना में। और परसों की घटना है जब बाबा तुहरवल जयंती में हम लोग गए थे तो वहाँ इस तरह की घटना घटी, पुलिस को पुलिस के मौजूदगी में हुआ, वहाँ सीनियर ग्रामीण SP मौजूद थे, वहाँ का सिविल SDO मौजूद था, अभी FIR भी हुआ है। हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि बार बार जो घटनाएं घट रही है, बार बार जो एक व्यक्ति के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जाँच हो और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। अब आप लोगों को और कुछ पूछना है? नहीं, पारस जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमला हुआ है, तो आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो क्या आपने अमित शाह से गुहार लगाई है कि मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का CID जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया, भारत सरकार को उसके पास गया, मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी घटनाएँ घटी है, मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री से भी कहा हूँ कि इस तरह की बात हो रही है, घटनाएँ हो रही है, उसकी जाँच चल रही है, उसकी जाँच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये चिराग पासवान का गुस्से में जहर खाना हुआ, इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर, अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, परशुराम पासवान वहाँ मौजूद था,
वो तो आ गया, वीडियो थी क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था। और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया दोनों तरफ से। फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सर क्या कार्यक्रम खूब मिलता है दारू, क्या कहता है दारू नहीं मिलता है बिहार में? तो शराबबंदी है। हाँ शराबबंदी है लेकिन गलत ढंग से मिल रहा है, इसमें कहाँ जो रहा है। आप मानते हैं कि शराबबंदी के बावजूद शराब यहाँ मिल रहा है? शराबबंदी नहीं मिल रहा तो इतना पकड़ा कैसे रहा? आखिर लोग पकड़ा रहे ना, दारू पकड़ा रहे कि नहीं पकड़ा रहे? अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है, इसमें कहाँ दो रही है। सर कि आपको वहाँ निमंत्रण था सर चाराडी मेला में जो बाबा चौहान माल का था जी, मंच पर विरोध करने वाले कौन से लोग थे? आपने कहा कुछ नक्सली भी थे, किस आधार पर? अमर आज़ाद, आपको अमर आज़ाद का नाम सुने होइएगा, 16 अक्टूबर 2016 को जब यही पासवान जी जब यही बाबा चौहान मंदिर जी में जा रहे थे, उस गाड़ी में चिराग पासवान जी बैठा हुआ था, इसी अमर आज़ाद के द्वारा फतुहा के आसपास में पासवान जी को काला झंडा दिखलाया गया था। वो अमर आज़ाद का ग्रुप वहाँ था और प्लस संजय रविदास जो गया था उसके पार्टी के पदाधिकारी है उसके ग्रुप का लोग वहाँ था। मैं तो नाम ले रहा हूँ और मैं नाम नेम एफआईआर में करवाया हूँ इन लोगों के खिलाफ। वो एक आदमी कंप्लेन के पहले जैसे घटना घटी गृह मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया या आपके कंप्लेन पे वो कार्रवाई करी? हाँ गृह मंत्रालय संज्ञान लिया, गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से सीआईडी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाया है, कार्रवाई हो रही है। चिराग पासवान ने घटना की निंदा की है, कहा ऐसे इस तरह से किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, उनके पार्टी की तरफ से भी ये चीजें करी जा रही है ना। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। चिराग पासवान के द्वारा इस घटना करवाया गया, फिर निंदा करने का कहाँ सवाल है? उसका पदाधिकारी यदि वो निंदा करता है, उसका पदाधिकारी अमर आज़ाद है उसके पार्टी का है, संजय रविदास है मंच पर है, उसका फुटेज देख लीजिए, उसका दोनों सिक्योरिटी है, रामजतन पासवान है और एक श्याम सिंह है, उसका सबका आया, फोटो आया है, टीवी पर आया है, मोबाइल पर आया है, तो उसको क्यों नहीं पार्टी से निकाला? वो यदि वो घटना की निंदा करता है तो क्यों नहीं निकाला उसको? इसका जवाब उसे पूछिए। सर एक सवाल यह है कि जिस तरीके से हाजीपुर में हमला हुआ, मोकामा में हमला हुआ, क्या नहीं लगता कि आपकी सिक्योरिटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बीप करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। वो तो हमारे जो दलित सेना के पदाधिकारी हैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग से ये लोग अलग से मांग करेंगे कि क्या क्या घटना हुई है, पासवान जी के साथ में क्या हुआ है, पासवान जी की क्या इच्छा थी और चिराग पासवान ने क्यों पासवान जी की इच्छा के विरुद्ध गठबंधन को तोड़ा। आज जिसे चिराग पासवान आरोप लगा रहा है कि 12 जनपद हमारे चाचा ने खाली करवाया, या 12 जनपद जब खाली हुआ तो हमारे चाचा जी भारत सरकार के मंत्री थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो भारत सरकार ने 6-6 बार नोटिस दिया चिराग पासवान को कि आप बंगला खाली करो, फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगला खाली करो, जब इसने बंगला खाली नहीं किया तो प्रशासन ने खाली करवाया। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि बंगला में उतना कीमती सामान था, सब सामान रात में ढो के ले गया चिराग पासवान और बड़े साहब का टूटा फूटा हुआ फोटो जाकर के रोड पर रख करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसने फ़ोटो खिंचवाया। चिराग पासवान का फ़ोटो क्यों नहीं था रोड पर? उसका उतना जो कीमती जूता है, सूट है, कोट है, वो क्यों नहीं रोड पर था? रीना पासवान का फ़ोटो क्यों नहीं था रोड पर कि सिर्फ पासवान जी का फ़ोटो था? और 12 जनपद खाली हुआ, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? मैं तो कहता था तुम गठबंधन में चुनाव लड़ो, आज भी गठबंधन में चुनाव लड़ता तो 12 जनपद भी रहता और भारत सरकार का मंत्री चिराग पासवान नहीं होता। बिहार में हमारी हम सरकार के भागीदारी होते, हमारा बिहार में 4 को 5 को मंत्री होता, 15-20 हम विधायक होते, तो ये तो उसने ही किया न, तो बिहार का सपना दिखला दिया उसको कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। जिसने कहा कि नीतीश कुमार को जेल, ऐसे हमले से यात्रा जारी रहेगा कि यात्रा नहीं रहेगी? इतना डरपोक हम थोड़े हैं, यात्रा मेरा जारी है, जारी रहेगा, सदैव रहेगा। सर एक मांग किया चिराग पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास। चिराग पासवान ने आज मांग किया, मैं आज से 1.5 वर्ष पहले से मांग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, होना चाहिए। और आज से 2 महीना पहले जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो प्रिंस राजू हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने
पार्लियामेंट में मांग किया कि हाजीपुर में पासवान जी के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। मैंने वही मांग नहीं किया, मेरा चार डिमांड है। पहला मेरा डिमांड है पासवान जी के नाम से भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। दूसरा डिमांड है कि हाजीपुर में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, पर्सनली जाकर मैंने कहा भी है कि हाजीपुर में पासवान जी की मूर्ति लगना चाहिए। और तीसरा मेरा डिमांड है कि 5 जुलाई को पासवान जी का जन्मदिन है, उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित होना चाहिए, सरकार के द्वारा व्यवस्था होना चाहिए। और चौथा मांग है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम पासवान जी के नाम से होना चाहिए। मेरा चार डिमांड है और ये मेरा डिमांड जिस दिन पासवान जी स्वर्गवास हुए उस दिन से मेरा डिमांड है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला हुआ है और आप पर भी, मतलब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा नीतीश कुमार? मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक चूक हुई है, प्रशासनिक चूक हुई है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार, पहली बार जो हमला हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि वो व्यक्ति पागल था व्यक्ति, इंक्वायरी भी हुआ, मेडिकल रिपोर्ट भी आया है। दूसरा बार जो हमला हुआ उसकी जांच चल रही है, उसकी क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद पता चलेगा। धन्यवाद, चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद।